ईंधन टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। पेट्रोल डीजल टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अब एक भयभीत करने वाले भूत की तरह है। मई 2014 से आज तक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की लूट इस देश की जनता से की है। बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 1 मई 2019 यानी दूसरा कार्यकाल संभालने से आज तक पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपया 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा या बढ़ोतरी हुई है। और हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, मई 2019 से आज तक मोदी जी ने 200 बार के करीब या उससे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। इसीलिए हम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब यह लगता है कि यह देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा बन गया है। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मंडकर अपना पिंड छुड़वाना चाहते हैं।